आठ बारह माई होम। माई होम का मतलब जानते हो क्या होता है? घर। पाठ का नाम क्या हुआ? मेरा घर। क्या हुआ पाठ का नाम? इसमें एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़की ने कहा डू यू नो व्हाट इज ए होम। क्या तुम जानते हो घर क्या होता है? लड़के ने कहा ए होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव। घर एक स्थान होता है जहां हम रहते हैं। दिस इज माई होम। यह मेरा घर है। दिस इज माई ड्रॉइंग रूम। यह मेरा ड्रॉइंग रूम है। दिस इज माई बेडरूम। बेडरूम जानते हो? यहाँ पर सब लोग लेटते हैं जिसमें बिस्तर पड़ा होता है। दिखाई दे रहा है इसमें बिस्तर लगा हुआ है? तो यह मेरा बेडरूम है। दिस इज माई किचन। यह मेरी रसोई है। किचन को क्या कहते हैं हिंदी में? जोर से बोलो। हाँ, जहाँ खाना बनता है उसे बोलते हैं रसोई। इंग्लिश में कहते हैं किचन। नीचे की लाइन दिस इज माई बाथरूम। यह मेरा बाथरूम है। बाथरूम क्या होता है जानते हो? जहाँ नहाते हैं। सुनो और बोलो। लिसन एंड स्पीक। सुनो और बोलो। क्लॉक। क्लॉक माने घड़ी। टेलीविजन। टेलीविजन भी कहते हैं, इसको टीवी भी कहते हैं। टेलीविजन। टॉवल। टॉवल माने तौलिया। डस्टबिन। कूड़ेदान। प्लेट। प्लेट में प्लेट माने प्लेट। बकेट। बकेट मतलब बाल्टी। स्पून। चम्मच। ये चीज समझ गए? पहली चीज क्या थी? घड़ी। इसको कहते हैं क्लॉक। टेलीविजन। टॉवल। डस्टबिन। प्लेट। बकेट। चम्मच। ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं? घर पर। कहाँ मिलती हैं? होम। कहाँ पर? माई होम। अब नई नई मीनिंग सुनो। ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम माने होता है बैठक। ड्राइंग रूम माने बैठक। क्या होती है? जो सब लोग यहाँ बैठते हैं घर के बाहर। कोई आता है मेहमान, उसको बैठालते हैं बाहर वाला कमरा, उसको कहते हैं बैठक। टॉवल। टॉवल किसको कहते हैं? तौलिया को। किचन। किचन किसको कहते हैं? रसोई को। किसको? बकेट। बकेट किसको कहते हैं? बाल्टी। फिर से बोलो। बकेट माने बाल्टी। क्लॉक माने घड़ी। क्लॉक माने घड़ी।
और डस्टबिन माने बताओ कौन बताएगा, कचरे का डब्बा या कूड़ादान? स्पून माने कौन बताएगा, आप बताओ। सबसे बाद में बताया था स्पून, जिससे खाना खाते हो, खिचड़ी खाते हो, हलवा खाते हो। चम्मच क्या बोलेंगे उसको हम अंग्रेजी में, क्या बोलेंगे? स्पून। बाथरूम माने जानते हो क्या होता है? स्नान घर। क्या बोलेंगे? सबको समझ में आ गया? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक टू सी प्लीज शेयर टू इट्स फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।